Good morning class. This is our new pathology class in which today we will study our new fourth topic of GI pathology, that is esophageal cancer. इससे पहले हम लोगों ने पेप्टिक अल्सर पढ़ लिया था, टाइफाइड फीवर पढ़ लिया था, ओरल कैंसर टॉपिक हमने कर लिया था कंप्लीट. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसोफेजियल कैंसर. देखिए, ये सिक्स्थ मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी है. मैलिग्नेंसी मतलब कैंसर है जो सबसे कॉमन पाया जाता है, सिक्स्थ नंबर पे आता है. इंसिडेंस 1,00,000 में से 160 लोगों में साउथ अफ्रीका चाइना में देखा जाता है, जबकि कजाकिस्तान के अंदर 1,00,000 में 540 लोगों के अंदर इसके केसेस देखने को मिल रहे होते हैं. इंडिया में 1,00,000 लोगों पर 8 से लेकर 20 केसेस देखने को मिलते हैं, और मेल्स के अंदर ये सिक्स्थ मोस्ट कॉमन कैंसर जो है वो देखा जा रहा होता है. इसके अलावा इसमें स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ये होता है पूरे ईसोफेगस के अंदर, जो डायग्नोस किया गया था. मेल फीमेल में रेशियो इसका 3:1 है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा का, जबकि एडिनोकार्सिनोमा के रूप में अगर ये दिखाई दे रहा है तो उसमें रेशियो मेल फीमेल 15:1 रहता है. एडिनोकार्सिनोमा वाइट कलर का दिखाई वाइट्स लोगों के अंदर ज़्यादा देखने को मिल रहा होता है, जबकि स्मॉल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा अफ्रीकन अमेरिकन पर्सन के अंदर कॉमनली ज़्यादा देखने को मिल रहा होता है. क्लासीफाई अगर आप करोगे तो इसोफेजियल कैंसर को एपिथेलियल नॉन एपिथेलियल कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एपिथेलियल के अंदर आता है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा, म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा, एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा और अनडिफ्रेंशिएटेड कार्सिनोमा. जबकि नॉन एपिथेलियल में लियोमायोसार्कोमा, मैलिग्नेंट मेलानोमा, रेप्डोमायोसार्कोमा और मैलिग्नेंट लिम्फोमा आते हैं. ये बात सुन लीजिए, जितने भी कैंसर के टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उन सब के अंदर ये नाम आएंगे, और नाम आपको एज इट इज़ रट्टे मारना है. नाम के अंदर समझने ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, सीधा अपन को रट्टा ही मारना पड़ता है इन नामों के अंदर. हालांकि आपके कैंसर के क्वेश्चन जो है जनरल पैथोलॉजी में से आएगा, इसमें से काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर फिर भी हमें तो पढ़ने हैं, हमारा काम तो पढ़ने का है, तो हमें ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी. नाम याद कर लीजिए आप. अब सबसे पहले जो हम बोल रहे हैं स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, ये स्क्वैमस म्यूकोसा से अराइज होता है. ईसोफेगस का ये नेटिव कैंसर है, 70% या अपर या मिडिल थर्ड के अंदर देखने को मिलता है. इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन टाइप SCC ही है, 90% यही पाया जाता है. उन लोगों में जो स्मोकिंग और अल्कोहल ज़्यादा ले रहे होते हैं तो उनमें नॉर्मल लोगों के कंपेरिजन में 5 गुना ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है. कंबाइंड इंक्रीज रिस्क इसका 25 से 100 फोल्ड देखने को मिल रहा होता है. डाइट की वजह से भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है. डाइट में अगर कोई नाइट्रोसामिन ज़्यादा खाता है, अचार वगैरह में देखने को मिलता है, या गर्म फूड्स के अंदर ये होता है नाइट्रोसामिन, या फिर लंबे समय तक जो लोग बहुत गर्म गर्म लिक्विड्स पीते रहते हैं उनके अंदर भी ये हो जाता है. माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी, जैसे विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ई की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं. और कुछ ट्रेस एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी, जैसे कि कोबाल्ट, कॉपर, सेलेनियम, इनकी डेफिशिएंसी से भी ये SCC हो सकती है. एक्वायर्ड में जो लोग सिगरेट स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, या ईसोफेगस का इन्फ्लामेशन क्रॉनिक स्टेज में है, या निगलने में जिनको दिक्कत आती है क्रॉनिकली, या फिर कास्टिक इंजेशन बाई कास्टिक सोडा वगैरह किसी ने इंजेस्ट कर लिया हो, या रेडिएशन के एक्सपोजर में जो लोग आते हैं उनमें SCC कॉमनली हो जाता है. प्री मेलिग्नेंट कंडीशन में अगर किसी को प्लमर विंसन सिंड्रोम हुआ हो, टाइलोसिस हुआ हो, एक्लेशिया हुआ हो, ईसोफेजियल स्ट्रक्चर नैरोइंग को कहते हैं भाई, स्ट्रक्चर या डाइवर्टिक्यूला हो गया हो, या P53 जीन होता है ये, इसकी वजह से भी देखने को मिलता है. वो तो था SCC. अब जिनमें एडिनोकार्सिनोमा होता है, ऑलमोस्ट 70% US में और वेस्टर्न कंट्रीज़ में यही कैंसर देखना मिलता है. ईटियोलॉजी, जिनके अंदर गर्ड का इंसिडेंस बढ़ जाता है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ गर्ड, या फिर जो वेस्टर्न डाइट ज़्यादा ले रहे होते हैं, जैसे आजकल के यूथ ले रहे हैं वेस्टर्न डाइट, या एसिड सप्रेशन मेडिकेशन का आप यूज़ ज़्यादा कर रहे होते हो, तो जो एसिड मेडिसिन्स होती हैं, मतलब एंटा एसिड्स वगैरह,
जो पेट के एसिड को कम कर देती है, तो उससे भी एडिनोकार्सिनोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हिस्टोलॉजी कल ही अगर आप देखो तो सब म्यूकोसल ग्लैंड, ईसोफेगस की सब म्यूकोसल ग्लैंड से ये बना होता है। हेटरोट्रॉफिक आइलैंड जो कॉल्यूमनर एपिथीलियम को था उससे ही बन सकता है। मेटास्टैटिक कॉल्यूमनर एपिथीलियम के मैलिग्नेंट डिजेनरेशन से भी हो सकता है। और बैरेट्स ईसोफेगस जिन लोगों में देखा जाता है उनमें तो 40 गुना इसका रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। बैरेट्स ईसोफेगस में ट्रेडिशनली और रिसेंटली दो तरह का हो सकता है। ट्रेडिशनली जिसमें कॉल्यूमनर म्यूकोसा 3 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बढ़ जाती है ईसोफेगस तक। बैरेट्स ईसोफेगस क्या होता है एक्चुअली, ईसोफेगस के अंदर मेटाप्लेसिया हो जाता है, उसको अपन बैरेट्स ईसोफेगस कहते हैं। ये वाला टॉपिक मैं आपको आगे डिटेल में भी पढ़ाऊंगी, यहाँ पर तो डिटेल में मैं नहीं पढ़ा रही, यहाँ तो सिर्फ थोड़ा बहुत बता रही हूँ। अदरवाइज इस वाले टॉपिक को मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगी कि क्या होता है बैरेट्स ईसोफेगस। ये पूरा टॉपिक मैं विद डायग्राम आपको ये समझाऊंगी। तो बैरेट्स ईसोफेगस में क्या हो जाता है एक्चुअली, मेटाप्लेसिया हो जाता है। मेटाप्लेसिया किसको कहते हैं, एक तरह की सेल्स दूसरी तरह की सेल्स से रिप्लेस हो जाती है, उसको अपन मेटाप्लेसिया कह रहे होते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, नॉर्मल ईसोफेगस में स्क्वैमस एपिथीलियम पाई जाती है और मेटाप्लेसिया की वजह से यहाँ पर कॉल्यूमनर एपिथीलियम आ गई है। ईसोफेगस के लोअर एंड पर देखने को मिल रहा होता है, गैस्ट्रिक एसिड के रिफ्लक्स की वजह से देखने को मिलता है। तो मैंने कहा ये जो कॉल्यूमनर म्यूकोसा आ गई है वो 3 सेंटीमीटर तक ईसोफेगस में बढ़ जाती है, उसको अपन ट्रेडिशनल बैरेट्स ईसोफेगस कहते हैं। और रिसेंटली में स्पेशलाइज्ड इंटेस्टाइनल टाइप की एपिथीलियम जिसमें गॉबलेट सेल्स होती हैं वो बैरेट्स म्यूकोसा के अंदर पाई जा रही होती है। इज द ओनली टिश्यू प्रीडिस्पोज टू मैलिग्नेंट डीजेनरेशन, जो कि मैलिग्नेंट डीजेनरेशन का भी कारण बन जाती है। इंटेस्टाइन की सेल्स गॉबलेट सेल्स की प्रेजेंस बैरेट्स म्यूकोसा में दिखाई देती है। डायग्नोज करोगे तो बैरेट्स ईसोफेगस जो है इज प्रेजेंटली मेड गिवन एनी लेंथ ऑफ एंडोस्कोपिकली आइडेंटिफाइबल कॉल्यूमनर म्यूकोसा दैट प्रूव्स ऑन बायोप्सी। बायोप्सी में ये आपको दिखाई दे जाएगी। 10% गर्ड जो है पेशेंट्स में डेवलप हो जाता है तो वो बैरेट्स ईसोफेगस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और हर 100 पेशेंट में से एक जो है वो बैरेट्स की वजह से एडिनोकार्सिनोमा का शिकार बनता ही बनता है। 40 गुना चांसेस बढ़ जाते हैं। सिम्टम अर्ली तो एसिम्टोमेटिक होती है, पर थोड़ी बहुत गर्ड जैसी कंडीशन दिखाई दे रही होती है। डिस्फेजिया हो सकता है, पर्सन को निकलने में दिक्कत आ सकती है, वजन कम हो सकता है क्योंकि खाना भाई नहीं रहा, बेचारा खा नहीं पा रहा, निकलने में दिक्कत आ रही। तो ऑब्वियस है कि डिस्फेजिया होकर के वेट लॉस होगा ही होगा। 2/3 जो ल्यूमन है ईसोफेगस की वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, उसमें सिरोसा की कमी आ जाएगी और वो रुकावट आ जाएगी, जिससे कि वॉमिटिंग और रिगर्जिटेशन कॉमनली देखने को मिलता है। दर्द रहने लगता है गले में, कफ हो जाता है, चॉकिंग रुकावट आ गई और एस्पायरेट निमोनिया देखने को मिलता है। होआर्सनेस गला खराब हो जाता है, वोकल कॉर्ड खराब हो जाती है और डिस्निया सांस लेने में दिक्कत आती है। इसके अलावा हाई इंसिडेंस एरियाज में जहाँ वेयर स्क्रीनिंग इज प्रैक्टिस, जहाँ पर स्क्रीनिंग की जा रही होती है, वहाँ मोस्ट प्रोमिनेंट अर्ली सिम्टम जो है वो पेन, स्वेलोइंग के दौरान पेन देखने को मिल रहा होता है। अगर रफ या ड्राई फूड लोग ज़्यादा खा रहे होते हैं तो उनके बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है गले के अंदर। सिस्टमिक डिजीज़ में हो सकता है पर्सन को जॉन्डिस हो जाए, बहुत ज़्यादा दर्द हो, हड्डियों में दर्द और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी देखने को मिल रहे होते हैं। डायग्नोस कैसे करेंगे भाई आप इसको, एंडोस्कोपी करवा के देख लीजिए, सिटी स्कैन करवा लीजिए, पैट करवा लीजिए, पैट मैंने आपको पहले ही बता दिया था, MRI करवा सकते हो, EUS अल्ट्रासोनोग्राफी ईसोफेगस की आप करवा सकते हो। तो एंडोस्कोपी में फर्स्ट टेस्ट में डिस्फेजिया पता चल जाएगा, ईसोफेगस की कोई रुकावट आ रही है वो आप देख सकते हो, इंट्राल्यूमिनर ल्यूमिनल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, इंट्रा म्यूरल इंट्रेंसिक फ्रॉम एक्सट्रेंसिक से डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हो। ये आपको बताया भाई, ये देखो नैरिंग हो चुकी है, पिक्चर में देख सकते हो। ईसोफेजल कास्ट का आपको पता चल जाएगा एंडोस्कोपी बायोप्सी से। क्रिटिकल पॉइंट्स में लेजन कहाँ पर है ये पता चल जाएगा, लेजन कैसा है जैसे पॉलीपॉइड वगैरह फूल गोभी जैसा कोई लेजन है वो पता चल जाएगा, कितना फैल चुका है ये पता चल जाएगा। सिटी स्कैन में आप इमेज दे सकते हो चेस्ट और एब्डोमेन के अंदर, उसकी लेंथ थिकनेस वगैरह, लिम्फ नोड को इन्वॉल्व है, लीवर लंग वगैरह सबका आप, और ट्यूमर को सिटी स्कैन के थ्रू आप डिटेक्ट कर सकते हो, सर्जरी के लिए काम आ रहा होता है। बस ठीक है, इतना ही है आपका ईसोफेजियल कैंसर।
अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना।